नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है बिहार और झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों का, तो फटाफट अंदाज में दोनों प्रदेशों की खबरें। बिहार शरीफ प्रखंड में 9 मार्च को मघड़ा में आयोजित होने वाले चैत्र शीतलाष्टमी मेले के मौके पर दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन तेज प्रताप यादव करेंगे। बिहार शरीफ प्रखंड के दीपनगर में जमीन विवाद में चाचा ने भतीजे को गोली मारकर घायल कर दिया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। युवक ने बताया कि शराब पिलाने के बहाने चाचा ने उसे घर बुलाया और शराब पिलाकर गोली मार दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बिहार शरीफ प्रखंड में साहित्यकारों और समाजसेवियों ने आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु की 97वीं जयंती मनाई। इस मौके पर रेणु को साहित्य जगत का सितारा बताया गया। इस्लामपुर प्रखंड चैता का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने कलाकारों ने एक से बढ़कर एक पारंपरिक कार्यक्रम पेश किए। बलका प्रखंड के गोपालपट्टी में किसान ने 1 किलो के आकार का आलू पैदा किया है। आलू की यह पैदावार जैविक खेती के जरिए उगाई गई है। किसान भी ऐसी खेती को जानने के लिए पहुंच रहे हैं। अहमदाबाद प्रखंड में हुए भीषण अग्निकांड के बाद खान मंत्री विनोद सिंह ने पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए जरूरी निर्देश दिए। कोढ़ा प्रखंड में जाप कार्यकर्ताओं ने कई मांगों को लेकर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और सरकार विरोधी नारे लगाए। सड़क जाम होने के कारण वाहनों से यात्रियों को काफी परेशानियां हुई। कदवा प्रखंड के गोपीनगर पंचायत में खेरवाधार पर पुल निर्माण में बरती जा रही अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने सवाल खड़े किए हैं और प्रशासन से निर्माण कार्य की जांच की मांग की। आजमनगर और कदवा प्रखंड को जोड़ने वाली सड़क निर्माण में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। बारसोई प्रखंड के धूमटोला गांव में 7 निश्चय योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य का विधायक महबूब आलम ने शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने सरकार की योजनाओं से भी लोगों को अवगत कराया। सदर प्रखंड में एसएससी प्रश्न पत्र धांधली मामले में आरजेडी की छात्र इकाई ने एसएससी प्रमुख का पुतला फूंक कर अपना विरोध जताया। कोपा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 12 बालू लदे ट्रकों को जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि सभी ट्रकों का चालान काटकर खनन विभाग को जांच के लिए भेज दिया गया है। मशरख में पुलिस ने जिले में अपराध के ग्राफ को लेकर बैठक की। बैठक में अपराध पर नियंत्रण रखने, शराब माफिया की गिरफ्तारी करने और सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। दरियापुर के दरिहरा में सामुदायिक शौचालय स्नानगार का सांसद कोष से निर्माण कराया गया, जिसका उद्घाटन सांसद प्रतिनिधि ने किया। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि ने कहा कि स्वच्छता अभियान के मद्देनजर पूरे संसदीय क्षेत्र में हर चौक चौराहे पर इस योजना को धरातल पर उतारने की योजना है। तरैया थाना क्षेत्र के कानपुर शुगर मिल के जमीन पर दबंगों ने अवैध कब्जे कर लिए हैं और जुताई का काम कर रहे हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की है। ग्रामीणों ने इसे लेकर थाने में भी शिकायत की। मुंगेर के ब्रह्मर्षि चेतना मंच की बैठक नीलेश कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें पुरानी संस्थाओं को प्रतिस्थापित करते हुए युवाओं को इससे जोड़ने पर बल दिया गया। इसके अलावा बैठक में ब्रह्मर्षि समाज को एकजुट रखने के लिए समाज के लोगों से संपर्क करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। मुंगेर के असरगंज का विधायक मेवालाल चौधरी ने दौरा किया और जन समस्याओं की जानकारी ली। विधायक ने मुखिया से भी मुलाकात की और अनशन के दौरान उठाए गए मुद्दों की प्रगति की जानकारी ली। मुंगेर के जमालपुर में शहर में बढ़ रहे आपराधिक वारदातों को लेकर समाजवादी पार्टी की नगर इकाई ने मंत्री शैलेश कुमार और एसपी का पुतला फूंका। दोनों परिवार के लोग होली की छुट्टी मनाने घर गए हुए थे, इसी दौरान चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ितों ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। सहरसा जिले के सोनबरसा राज प्रखंड में जिला व्यापार संघ की बैठक हुई। बैठक में संघ के अध्यक्ष ने संगठन के विस्तार पर चर्चा की। पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी को मिली जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और खुशी का इजहार किया। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में यंग एसोसिएशन के तत्वावधान में चित्र लेखन कर बच्चों को नई तकनीक से शिक्षा का पाठ पढ़ाया गया। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड में सरपंच संघ ने 7 मार्च को पटना में आयोजित होने वाले न्याय मार्च को सफल बनाने को लेकर एक बैठक का आयोजन किया। सहरसा सदर थाना क्षेत्र के दहलान चौक पर दो पक्षों के बीच हुए आपसी विवाद में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष में दुकान और घर में घुसकर मारपीट की। मारपीट में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए।
सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। सहरसा जिले के बलवाहाट मोहम्मदपुर पंचायत में यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ से पहले कलश यात्रा निकाली गई जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने शिरकत की। मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड इलाके में शराबबंदी के बाद नकली ताड़ी का कारोबार फल फूल रहा है। केमिकल और नशे की दवा से ताड़ी बनाई जा रही। मुजफ्फरपुर में सकरा प्रखंड के पैगंबरपुर में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया जिसमें असंगठित मजदूरों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में हाइब्रिड मक्के की फसल में दाना नहीं आने से किसान को निराशा हुई है। दाना नहीं होने से किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई। मुजफ्फरपुर के सकरा में मछेही गांव में उद्यान रत्न सम्मानित किसान दिनेश कुमार ने विदेशी टूरिस्ट को वर्मी कंपोस्ट और दही दूध के छिड़काव से होने वाली फसलों की जानकारी दी। दरौली प्रखंड में निषाद विकास संघ के तत्वावधान में होने वाले महाधरने को लेकर जिलाध्यक्ष उपेंद्र साहनी ने लोगों को जागरूक किया और धरने को सफल बनाने की अपील की। महाराजगंज में गुप्त सूचना के आधार पर शराब पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। हमले में एक एएसआई घायल हो गया और पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के रकौली गांव में आग लगने से 4 झोपड़ी जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि घर में खाना बनाने के दौरान हादसा हुआ। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बीजेपी ने पूर्वोत्तर चुनाव में मिली जीत को लेकर जश्न मनाया। जीत से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया और मिठाइयां खिलाई। बाढ़ प्रखंड के दयाचक मोहल्ले में एक विवाहित महिला ने आपसी नोकझोंक के बाद कीटनाशक दवा खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। आनंद फानंद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाढ़ प्रखंड के उत्तर वाहिनी गंगा नदी के किनारे उमानाथ धाम में गंगा घाट का बुरा हाल है। घाट पूरी तरह टूट चुका है। इससे श्रद्धालुओं को स्नान में काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों ने घाट की मरम्मत की मांग की है। बाढ़ प्रखंड के स्टेशन रोड पर पीएचईडी विभाग ने जगह जगह नल का इंतजाम तो कर दिया लेकिन नल को बंद करने के लिए टैप नहीं लगाए हैं जिससे काफी पानी बर्बाद होता है। बाढ़ के लंगूरपुर गांव में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बीजेपी के विजय अभियान पर खुशी जाहिर करते हुए कार्यकर्ताओं को बधाई दी। गिरिराज ने कहा कि बीजेपी लगातार देश के लोगों की पहली चाहत बनती जा रही है जिसके चलते पूर्वोत्तर भारत में बीजेपी लोगों की पहली पसंद बनी और पार्टी ने चुनाव में अपना परचम लहराया। मोकामा प्रखंड के मोर गांव से 2 भाई ट्रेन से सवार होकर पंजाब के लिए रवाना हुए लेकिन रास्ते में एक भाई अचानक गायब हो गया। इसके बाद जीआरपी में उसकी गुमशुदगी का केस दर्ज किया गया है। रूनी सैदपुर प्रखंड के कोदरिया गांव में मनरेगा में भारी अनियमितता का मामला सामने आया है। यहां फर्जी तरीके से पंचायत प्रतिनिधियों ने मजदूरों का पैसा निकाल लिया है। मजदूरों ने इसकी शिकायत विभाग के आलाधिकारियों से भी की है बावजूद उसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे लेकर मजदूरों ने नाराजगी जाहिर की। बोखड़ा प्रखंड के मधुरापुर में लाखों की लागत से शुरू की गई नलजल योजना से ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इससे ग्रामीणों को पानी की काफी किल्लत हो रही है। दरअसल यहां कई महीनों से बिजली का ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है। इसके कारण लोगों के घरों तक नल का जल नहीं पहुंच पा रहा है। ग्रामीणों ने सरकार से ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की। नानपुर प्रखंड के बाथसली पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास दिलाने के नाम पर लाभुकों से बिचौलिए मोटी रकम वसूल रहे हैं। लाभुकों ने इसकी शिकायत भी की लेकिन कार्रवाई नहीं की। टीगा प्रखंड के रामपुर गांव में नाला नहीं होने के कारण जल जमाव रहता है। इससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। लोगों की शिकायत है कि नाली का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। दलसिंहसराय के रेलवे क्वार्टर में एक महिला का शव बरामद किया गया है। महिला की पहचान सुप्रिया सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक महिला ने खुदकुशी की। मोहिउद्दीन नगर प्रखंड के नंदनी गांव में सिलेंडर फटने से लगी आग से 11 घर जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दे दी गई थी बावजूद उसके दमकल कर्मी काफी देर से पहुंचे। लोगों का कहना था कि अगर समय रहते दमकल कर्मी आ गए होते तो नुकसान कम किया जा सकता था। रोसड़ा थाना क्षेत्र के रहुआ मोइन और पंचगामा गांव में पुलिस ने छापा मारकर एक शौचालय के टैंकर से 386 बोतल विदेशी शराब बरामद की है। इस मामले में एक महिला समेत कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वारिसनगर थाना क्षेत्र के बसंतपुर रमणी पंचायत के कमलावाहा गांव में अचानक आग लगने से 6 घर जलकर राख हो गए। आग से लाखों रुपए का सामान और नकदी नष्ट हो गया। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका है। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे सीओ ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद तत्काल मुहैया कराई और मुआवजा राशि भी दिलाने का भरोसा दिलाया। वारिसनगर प्रखंड में मक्के की फसल में दाना नहीं होने की जांच विभाग नहीं कर रहा है जबकि किसानों का कहना है कि उन्हें नकली बीज दिया गया है। इसके कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई। दलसिंहसराय में भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा से पहले भव्य शोभा यात्रा भव्य कलश यात्रा निकाली गई जिसमें सैकड़ों महिलाएं शामिल।
वारिसनगर प्रखंड में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में मुक्तापुर की टीम ने रसलपुर टीम को 80 रनों से हरा दिया। मैच के बाद विजेता और उपविजेता टीम को पुरस्कार दिया गया। वायसी थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर एक शराब कारोबारी को 29 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पूर्णिया के मधुबनी ओपी थाना क्षेत्र के बावन बीघा के पास 3 दिन पहले मिले युवक के शव की शिनाख्त ब्रजेश कुमार के रूप में हुई है। युवक कोर्ट स्टेशन के पास रहकर पढ़ाई करता था। युवक की हत्या क्यों और किसने की है इसका पता नहीं, आरोपियों को पकड़ने का भरोसा दे रही। बेगूसराय के हजारों एकड़ में लगी मक्के की फसल में दाना नहीं होने से किसानों में हाहाकार मच गया है। किसानों ने नकली बीज देने का आरोप लगाया है। बेगूसराय के फुलकारी गांव में हर साल की तरह इस साल भी पूजा और मेले की तैयारियां जोरों पर है। नवरात्र के मौके पर यहां पूजा और मेले का आयोजन किया जाता है। साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में एक वाहन में अचानक सिलेंडर फटने से अफरा तफरी मच गई। धमाके में गाड़ी के परखचे उड़ गए। हादसे में एक शख्स जख्मी भी हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेपी को पूर्वोत्तर राज्यों में मिली सफलता से उत्साहित, बरौनी नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के जयकारे लगाए। नौबतपुर थाना क्षेत्र के नवडीहा गांव में एक खलिहान में आग लगने से पुआल के 4 बड़े पुंज जलकर राख हो गए। हालांकि सूचना मिलने पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक सब कुछ खाक हो चुका था। दुल्हिन बाजार में 2 दिनों से जीपीएस एक्टिवेट नहीं होने से बालू का उठाव नहीं हो रहा है। इससे ट्रक मालिकों को काफी परेशानी हो रही है। ट्रक मालिकों ने इसे लेकर प्रदर्शन किया। ट्रक मालिकों ने खनन विभाग के अधिकारियों से इसमें अविलंब सुधार करने की मांग की है जिससे कि बालू उठाव किया जा सके। रानी तालाब थाना क्षेत्र के पतुत बाजार के पास सड़क दुर्घटना में कबीर मठ के महंत रामदयाल दास की मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विक्रम के अमुआ गांव में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा आयोजन से पहले कलश यात्रा निकाली गई जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने शिरकत की। किशनगंज में आंगनबाड़ी सेविका गैरकानूनी तरीके से पीडीएस दुकानों से अनाज खरीद कर उसे कुपोषित बच्चों को बांट रही है जबकि विभाग ने उसे खुले बाजार से अनाज खरीद कर बांटने के लिए पैसे दिए हैं। कोचाधामन प्रखंड की आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 73 में कुपोषित और गर्भवती महिलाओं को निर्धारित मानक से कम वजन में अनाज देने का मामला सामने आया। सेविका ने बताया है कि लाभुकों को कम अनाज देने के लिए वो मजबूर हैं क्योंकि विभागीय अधिकारियों को भी पैसे देने होते हैं। किशनगंज के सिंबलवाड़ी पंचायत में सेविका पर मनमानी का आरोप लगाया गया है। लाभुकों का कहना है कि सरकार की योजनाओं का सेवक पलीता लगा रहे हैं। किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड के सुदरबाड़ी गांव में कटाव निरोधक कार्य का विधायक तौसीफ आलम ने शिलान्यास किया। इस निर्माण हो जाने से किसानों की उपजाई जमीन नदी में विलीन होने से बच जाएगी। किशनगंज के दौला पंचायत और महीन गांव पंचायत में सड़क निर्माण कार्य का जेडीयू विधायक मुजाहिद आलम ने शिलान्यास किया। बगहा के गोईटी बोरवल गांव में झोला छाप डॉक्टर खुलेआम प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे लोगों की जान जाने की भी आशंका रहती है लेकिन विभाग इन पर लगाम लगाने की बजाय चैन की नींद सो रहा है। बगहा के चौतरवा प्रखंड में आपसी विवाद के चलते हुई मारपीट में 2 बुजुर्ग बुरी तरह जख्मी हो गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा है कि जांच में दोषी पाए जाने पर आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। बगहादुर प्रखंड के पटखौली नारायणपुर गांव के ओपी थाने का एसपी अरविंद गुप्ता ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद एसपी ने थाना प्रभारी को लंबित पड़े मामलों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए। बगहा एक प्रखंड के बनकटवा सूजी घाट में हाई टेंशन लाइन के गिर जाने से विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से जल्द पोल को दुरुस्त करने की मांग की है। बगहा के भिताहा प्रखंड के गुलरिया बलुही गांव में छापा मारकर पुलिस ने शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं जीतपुर गांव से पुलिस ने जब्त देसी शराब की खेप नष्ट कर दी है और फरार कारोबारी की तलाश के लिए छापेमारी कर रहे हैं। बगहा के रामनगर प्रखंड में सरकारी पेड़ों की कटाई को लेकर जेडीयू नेताओं ने वीडियो पर सवाल खड़े किए हैं और मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। मीरगंज में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 20 कार्टन शराब बरामद की है। हालांकि इस दौरान कार चालक मौके से फरार हो गया। उचका गांव प्रखंड के नरेनिया में बनी पानी टंकी से शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। दरअसल निर्माण के बाद टंकी में दरार आ गई जिसके बाद संवेदक फरार हो गया और पानी की सप्लाई शुरू नहीं की जा सकी। गोपालगंज के हथुआ प्रखंड में बांसुरी उद्योग से जुड़े दर्जनों परिवार भूखमरी की कगार पर हैं। बांसुरी के लिए बाजार नहीं होने के चलते इसकी बिक्री नहीं हो पाती है। इससे कारीगरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है।
बेनीपट्टी इंस्पेक्टर कार्यालय का एसपी दीपक बरनवाल ने निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। लौकहा थाना का डीएसपी उमेश्वर चौधरी ने निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। हरलाखी के उमगांव पीएनबी ब्रांच में लिंक फेल होने की वजह से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हो रही है। मधुबनी के खिरहर प्रखंड में पुलिस ने छापा मारकर एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। बासोपट्टी के छतौनी गांव में दहेज हत्या के आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। परिजनों का कहना है कि आरोपी उन्हें लगातार धमकी दे रहा है। भोजपुर में सड़क हादसे में एक शख्स की जान चली गई। हादसा सहार थाना के करबासिन गांव के पास हुआ। बताया जा रहा है कि बाइक से जा रहे शख्स को ट्रक ने टक्कर मार दी। खगड़िया के बेला नुबाद गांव में बकरी चोरी के मामले में पंचायत ने युवक को सजा के तौर पर 50 फलदार पौधे लगाकर 5 साल तक उसकी देखभाल करने की सजा सुनाई। सिमडेगा के बीरू पंचायत में 7 साल से ग्रिड बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक ग्रिड को ट्रांसमिशन लाइन से नहीं जोड़ा गया है, जिसके कारण ग्रामीणों को बिजली की समस्या हो रही। कुरुडेग प्रखंड के बड़की बीवरा पंचायत में बरसों से पुल टूटा हुआ है, लेकिन इसकी मरम्मत नहीं कराई जा रही है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। कुरुडेग प्रखंड के बड़की बीवरा पंचायत में विद्यालय में केवल एक शिक्षक है, जो कभी कभार ही आता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। ग्रामीणों का कहना है कि इसे लेकर कई बार विभाग से शिकायत भी की जा चुकी है, बावजूद उसके अभी तक शिक्षक की प्रतिनियुक्ति नहीं कराई गई है। सिमडेगा प्रखंड के तामड़ा पंचायत में सड़क का हाल बेहाल है। सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, इससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। मझियाओं और कांडी थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 5 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगर उटारी के गोसाई बाग के सर्वेश्वरी समूह आश्रम में शिवलिंग और महामैत्रायणी चरण पादुका का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर अखंड कीर्तन का भी आयोजन हुआ। भवनाथपुर में 20 मार्च से होने वाले राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के सफल संचालन को लेकर जिला कमेटी ने एक बैठक की। इसमें प्रतियोगिता को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मौके पर संघ ने कहा कि इस टूर्नामेंट का उद्देश्य ऐतिहासिक खेल का आयोजन कर क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ियों को निखारकर उचित प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है। रंका में बाइक ने एक शख्स को टक्कर मारकर घायल कर दिया। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने बाइक को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है। नगर उटारी में नगर पंचायत कार्यालय ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 40 लाभुकों को नोटिस भेजकर 3 दिन के अंदर कार्य प्रगति का प्रतिवेदन जमा करने के निर्देश दिए। गढ़वा के नगवा में आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें कई युवाओं ने पार्टी का दामन थाम लिया। मेदिनीनगर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला ने नगर निगम चुनाव को लेकर सभी वार्ड के अध्यक्षों के साथ बैठक की और चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। लेस्लीगंज प्रखंड के दीदी गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बीजेपी नेता अमित प्रकाश ने किया। छतरपुर प्रखंड में यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ से पहले कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने शिरकत की। मिहजाम में आजसू के नगर इकाई की बैठक हुई, जिसमें कई कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। कुंडहित प्रखंड के इंद्रपहाड़ी गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी के लिए भी उन्हें दूर दूर भटकना पड़ता है। नाला प्रखंड के महेशा मुंडा पंचायत के हुडल पहाड़ी गांव विकास से कोसों दूर है। यहां आवागमन के लिए सड़क और बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं है। फतेहपुर में कुर्मी और तेली समाज को आदिवासी का दर्जा देने के विरोध में पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खूंटी पुलिस ने हत्या के मामले में 2 साल से फरार चल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि उसे गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की। खूंटी के तोरपा प्रखंड के निर्माणाधीन कार्यालय से एक मजदूर का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान देवनाथ महतो के तौर पर की गई है। लोहे की रॉड से गला दबाकर उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। खूंटी जिले के अड़की प्रखंड के सुदूर क्षेत्रों में आदिवासी महासभा के लोगों से ग्रामीणों ने सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेने का अनुरोध किया। खूंटी के अड़की और मुरहू प्रखंड के दर्जनों गांव में पत्थलगड़ी का सिलसिला जारी है। खूंटी में अवैध अफीम के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। अब तक पुलिस 1000 एकड़ में लगी फसल नष्ट कर चुकी है।
सेना प्रखंड में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया और कई वाहनों का चालान काटा। इस दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले चालकों का लाइसेंस जब्त कर लिया। सेना प्रखंड के बदला पंचायत में ग्रामीणों ने श्रमदान करके बोरा बांध का निर्माण किया। नदियों के जलस्तर में कमी होने के कारण जगह जगह बोरा बांध कर बनाया जाता है, जिससे जल का संरक्षण किया जा सके। कुडू प्रखंड में सामूहिक विवाह मंडप में पेयजल आपूर्ति के लिए पानी टंकी, शौचालय और स्नानागार भवन का विधायक सुखदेव भगत ने शिलान्यास किया। इस मौके पर सुखदेव भगत ने कहा कि समाज के हर तबके के विकास के लिए सरकार कटिबद्ध है और विकास का कार्य हर गांव टोले तक पहुंचाया जाएगा। नाबालिग लड़की से छेड़खानी करने के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी इमाम अंसारी को किस्को थाना क्षेत्र के परहेपाट छतर टोली से गिरफ्तार किया। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया में बाइक और साइकिल की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिससे चार लोग घायल हो गए। हादसे के दौरान वहां से गुजर रहे सांसद ने गाड़ी रोककर घायलों को अस्पताल भेजा। पाकुड़िया जिले के पाकुड़िया प्रखंड में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले का सांसद विजय हांसदा और विधायक स्टीफन मरांडी ने उद्घाटन किया। मैच के बाद विजेता और उपविजेता टीम को सांसद और विधायक ने पुरस्कार दिया और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। पाकुड़ सदर प्रखंड के गोपीनाथपुर गांव में आयोजित फाल्गुन उत्सव में बीजेपी नेता मिस फीका भी शामिल हुई। इस मौके पर 3 दिवसीय कीर्तन का भी आयोजन किया गया। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा के सिमलोंग ओपी थाना क्षेत्र में एक अज्ञात शख्स सड़क हादसे में जख्मी हो गया, जिससे ग्रामीणों के सहयोग से अस्पताल में भर्ती कराया गया। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड के सिंहपुर पंचायत में सड़क निर्माण में भारी अनियमितता बरती गई है। 3 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना था, लेकिन कहीं सड़क बनी है तो कहीं नहीं। बोकारो जिले के चास प्रखंड के मानकू पंचायत में महिलाओं ने डीसी का घेराव किया और नारेबाजी की। महिलाओं ने उपायुक्त को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। महिलाओं की समस्या सुनने के बाद उपायुक्त ने जल्द इसे दूर करने का भरोसा दिया। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उन्हें लिस्ट बनाकर उन्हें सौंपा जाए। बोकारो जिले के चास प्रखंड के बासगोड़ा पंचायत में असामाजिक तत्व बार बार पेड़ों में आग लगा रहे हैं, इससे भारी संख्या में पेड़ जलकर नष्ट हो रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार इसकी जानकारी उपायुक्त और वन अधिकारी को भी दी है, बावजूद उसके ऐसे लोगों पर कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। पंचायत समिति सदस्य बुद्धेश्वरस ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। विधायक लक्ष्मण टूडू ने उनकी पार्टी में शामिल होने का स्वागत किया। बुद्धेश्वर ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रघुवर दास से काफी प्रभावित थे, जिसके कारण उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। बहरागोड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अस्पताल प्रबंधन परिसर की साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं देता। गंदगी के कारण अस्पताल में बीमारी फैलने का भी खतरा है। यह आलम तब है जब अस्पताल की साफ सफाई और रखरखाव के नाम पर अच्छा खासा बिल महीने के आखिर में बनाया जाता है। इसे लेकर विधायक ने कई बार अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाई। सामाजिक सरोकार के लिए बहरागोड़ा में बनाया गया भारत माता मंडप इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। दरअसल अब इसे बस अड्डा बना दिया गया है, जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यह आलम तब है जब सभी राजनीतिक दल भारत माता मंदिर में कोई न कोई कार्यक्रम करते रहते हैं, बावजूद इसके साफ सफाई नहीं कराई जाती। घाटशिला के मुसाबरी में बीजेपी नेता गुरुचरण महाली की मौत के बाद विधायक लक्ष्मण टूडू ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद दी। घाटशिला के मुसाबरी प्रखंड के बेनाशोल पंचायत भवन में मुखिया ने एक शिविर का आयोजन कर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी दी। शिविर में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन, शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिलाया गया। घाटशिला के पोटका प्रखंड के आसनवानी पंचायत में लोगों के घरों में पानी पहुंचाने के लिए पाइप तो लगा दिया गया, लेकिन आज तक इसमें पानी की सप्लाई नहीं की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसों पहले पाइप बिछाकर नल लगा दिया गया, लेकिन पानी की सप्लाई आज तक शुरू नहीं की जा सकी, जिससे उन्हें खासी परेशानी हो रही है। पतरातू प्रखंड के भुरकुंडा में सरकारी शराब की दुकान में शराब खरीदने वालों को बिल नहीं दिया जाता है, इसे लेकर शिकायत भी की जा चुकी है, बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं की। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में NH-23 पर हमेशा लंबा जाम लगा रहता है, जिससे यात्रियों को आवागमन में काफी परेशानी होती है, लेकिन प्रशासन इसे लेकर कोई कदम नहीं उठा रहा है। रामगढ़ के गोला प्रखंड के सब्जी मंडी में गंदगी का अंबार लगा है, इससे खरीदारी करने वाले लोगों और सब्जी बेचने वाले व्यापारियों को खासी परेशानी होती है। रामगढ़ के गोला प्रखंड के खोखा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में समय पर विद्यालय नहीं खुलता है, इसके कारण बच्चों को घंटों विद्यालय के बाहर बैठकर इंतजार करना पड़ता है।
मनोहरपुर सरायकेला के बीच ट्रेन की चपेट में आने से घायल हुई महिला अभी कोमा में है। घायल महिला की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। घायल अवस्था में महिला को बच्ची के साथ अस्पताल लाया गया था। जामताड़ा के धुतला कैनाल के पास डंपर और कार की टक्कर हो गई। इसमें कार सवार 5 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 बच्चे शामिल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन्हीं खबरों के साथ बिहार और झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों में फिलहाल